हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोगों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए एपिसोड में। और आज हम फिर से एक बार खेलने वाले हैं पंपिंग सिमुलेटर। और हाँ, आप सबको याद ही होगा हमने एक खुद का कार वॉशिंग वाला पाय करा था। अगर वो वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाके चेक कर लो। हाँ गाइस, हमारे 25K सब्सक्राइबर हो चुके हैं पूरे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस जिन्होंने इतना प्यार करा, आई लव यू गाइस। तो चलो अपनी गेम को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और तुम्हें याद ही होगा अपनी गैस स्टेशन की मार्केट में काफ़ी लोकल बंदे आ रहे हैं जिसके कारण हम काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। बट कमा तो रहे हैं, उसके जो मतलब हमारे प्रोडक्ट्स के रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और उसके कारण भाई हमें ना ज़्यादा पैसे मिल नहीं रहे। बट ठीक है, तुम देख रहे हो ना मेरे पास पैसा तो बहुत है, 11,000-12,000 डॉलर, ये भी 2 घंटे में, मतलब मैंने ऐसे गेम को छोड़ा हुआ था तब जाके कमाए हैं। बहुत स्लो इसमें पैसे कमाते हैं, बट ये है कि थोड़े बहुत पैसे हम अच्छे खासे कमा लेते हैं अगर हमारे पास सामान ज़्यादा हो। और हाँ, आप सब ने बोला था कि भाई अपने प्रोडक्ट्स के सबके रेट हाई कर दो, तो चलो आज मैं यही करने वाला हूँ कि अपने जितने भी पेट्रोल के भी मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स पड़े हैं उनके सबके प्राइस हाई कर देता हूँ। तो ठीक है, अभी के लिए यहाँ देखते हैं हम मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में थोड़ा बहुत सामान मंगाना है क्योंकि अभी हम चेक करके आए हैं, मार्केट हमारी पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें लोकल बंदे आ रहे हैं तो इसके कारण भाई पूरी खाली हो चुकी है। बट कोई बात नहीं, हम काफ़ी सारा सामान मंगाने वाले हैं यहाँ पे। तो चलो, यहाँ पे मैंने ऑर्डर तो करा है 550 का, भाई ये ऑर्डर हो ही नहीं रहा। मतलब एक पहले ना ट्रक आएगा तब जाके ऑर्डर होएगा। तो चलो, 117 डॉलर का मैंने तेल भी बाय कर लिया है, अपना जो फ्यूल है वो फुल हो जाएगा गैस का। तो चलो यहाँ पे मैं फुल रेट करने वाला हूँ। अब तुम रेट देख सकते हो ना भाई, $1.50 का यहाँ हमारा पेट्रोल है, $20 का हम गाड़ी धोएंगे $20 की। तो अब तुम लगा लो, धीरे धीरे सबके रेट तुम देख ही सकते हो स्क्रीन पे है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा मैंने बढ़ा दिए हैं। हाँ, अब भाई हम काफ़ी ज़्यादा पैसा दबा के कमाने वाले हैं। तो चलो, यहाँ एम्प्लॉयज़ मैं सोच रहा हूँ कुछ एम्प्लॉय निकाल दूँ क्या, क्योंकि कुछ ना ये फ्री में बैठे रहते हैं, फालतू का काम वाम करते नहीं हैं। और यहाँ पे देखो, ये आई कैन फ्यूल, 2 बंदे फ्यूल भर लें और कुछ भाई सेल आइटम कर दें तो यही ठीक है। अभी के लिए मैं 2 निकाल रहा हूँ। और हाँ, हमने पैसे एक चीज़ और के भरे थे, तुम्हें याद होगा अपग्रेडेशन में, कि हम एक नवा वर्कर रख सकते हैं। मतलब कि अब वर्कर जो आएंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगे तो होंगे, बट भाई उसमें काफ़ी बंदा ना बहुत सारा काम करेगा, जैसे विल यू फाइंड बेटर, ये देखो फ्यूल भरेगा, सेल, व्हीकल धोएगा, बहुत सी 4-5 चीज़ें इकट्ठे करेगा वो। तो चलो, यहाँ मैंने उसको बाय कर लिया है, मतलब अपने काम पे रख लिया उसे। तो ठीक है, अभी के लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। बट देखो, दुकान तो भाई मतलब दुकान नहीं है हमारी, गैस स्टेशन है, इसे संभालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हमारे अभी टास्क भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, जॉब्स तो कोई है नहीं, टास्क में थोड़े कंप्लीट हो जाएंगे, हमें ही रखने पड़ेंगे, बट टास्क हमें कंप्लीट करने नहीं है। मतलब रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तब जाके होंगे, बट उससे पहले यार एक मैनेजर के पास अच्छा खासा घर तो होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, आज हम खरीदने वाले हैं एक घर। इतने ज़्यादा मैंने पैसे इसीलिए लगाए थे, मतलब यार मैं खरीद तो वर्कशॉप भी सकता हूँ और हाँ एक खुद का रेस्टोरेंट भी खरीद सकता हूँ, मतलब 3-4 चीज़ें मैं बाय कर सकता हूँ, बट मैं घर खरीदना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास मार्केट है, गैस स्टेशन है जिससे कि हम पैसा काफ़ी कमा लेंगे। बट हमारे पास खुद का घर नहीं है, वो एक बेकार सा घर है, लक्कड़ के घर में हम रह रहे हैं, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट चलो ठीक है, अभी के लिए यहाँ मैंने रेट तो हाई कर दिए थे और कस्टमर्स की कंप्लेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आने में लगी हुई है कि भाई तुमने रेट इतने ज़्यादा मतलब हाई क्यों कर दिया, भाई एंग्री हो रहे हैं बंदे, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं इस बात को लेके। तो चलो, बात को क्या, पैसे दो भाई, सामान लेके जाओ, ये देखो एंग्री कस्टमर, प्राइस सो हाई। तो बट अभी के लिए हम इस ऐसे ही छोड़ते हैं, तुम सब ने कमेंट में कहा था तो भाई करना तो पड़ेगा इतना। तो ठीक है, यहाँ देखो और प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, मैं कॉफ़ी लेने आया था थोड़ी हेल्थ वेल्थ बढ़ाने के लिए, बट ठीक है, और मैंने और प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जिससे कि हमारी मार्केट थोड़ी भरी भरी लगे। बट हाँ, धीरे धीरे करके और मंगाते रहेंगे। और यहाँ देखो भाई, प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और मैं ना आज सुबह से साइकिल लेके घूम रहा हूँ इस टाउन में। तो ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा भी लेने नहीं आया यार, प्रोडक्ट्स उतारो भाई, क्या कर रहे हो तुम, मार्केट का इतना सामान मंगाया मैंने, ट्रक भी देख रहे हो क्या लिखा है ट्रक पे भी, ट्रक भी ना प्लस वालों का ट्रक है, तो मैं ट्रको यहाँ लिखा हुआ है चैम रोड, ऐसा ही कुछ ट्रक का नाम है। तो चलो छोड़ो, अभी के लिए मैं इनको देख रहा हूँ भाई, इनमें से कोई उठा रहा है टेप भाई, अच्छा ठीक है, ओलिविया भी आई है, एक कस्टमर साइड से वो पार करके गया है और इसने उठाया, 2 मिनट रुकना, इसे उठाया और वहीं तोड़ दिया। भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मतलब मेरे हिसाब से पता क्या हो रहा है, ट्रक से ही उठा रहे हैं, ट्रक के पास ही खोल दे रहे हैं, बट ये कोई ग्लिच होगा इनका जिसके कारण ना सीधा शॉप में जाके हो जा रहा होगा। तो चलो, और इनके प्राइस कितना ज़्यादा भर गए हैं यार,
मतलब पहले हमारा पेट्रोल पंप $1,000 का था, अब $2,000 का है। मेरे को ये नहीं पता कि मैंने अपने पेट्रोल पंप पे इसके मतलब हाई रेट करे हैं। इस कारण है कि शायद से ये हो सकता है 1,000 का खरीदने के बाद जो 2,000 का मैंने अभी बाय करा, इसके साथ वाले का 3,000 का ना हो गया हो, जो था मुझे शक भाई वही हुआ। मतलब कि अब क्या होगा, हम 1,000 में चीज़ खरीदते हैं तो उसका प्राइस डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पेट्रोल पंप की बात कर रहा हूँ मैं तो। चलो यहाँ देखो गाड़ी धुलने के लिए जा चुकी है, ठीक है। इस वाली मशीन का काफ़ी ज़्यादा फायदा है, वहाँ ना बंदा पंप से धुलवाने नहीं आएगा, बट अगर पंप से आएगा तो उससे हम कम पैसे लेते हैं बट सर्विस अच्छी करके देते हैं। तो चलो अभी के लिए मैं चलता हूँ अपने टाउन में घर खरीदने के लिए, और घर खरीदने के लिए इतना पैसा मेरे पास बहुत है। पहले मैं देख लेता हूँ घर कि घर अंदर से देखने में कैसा है, अगर देखने को मिला तो ठीक है। यहाँ से मेरे को मैप चेक कर लेना चाहिए एक बारी, घर है कहाँ, दो मिनट क्या यहाँ से मेरे ना घर के सामने की साइड से ही है, तो चलो वहाँ से आसानी पड़ेगा, इतना दूर नहीं है, बट हाँ घर से थोड़ा दूर तो है यार स्टेशन, बट ठीक है कोई नहीं, हाईवे से होते हुए हम सीधा अपने घर तो पहुँचेंगे। और यहाँ देखो भाई हमारी साइकिल ने बाइक मतलब गाड़ी को पीछे कर दिया है, बहुत हैरानी वाली बात है यार गाड़ी को पीछे करना अपनी साइकिल से। तो चलो कोई बात नहीं, पता लगे भाई गाड़ी वाला चढ़ा के चला गया ना, मेरे को इस हॉस्पिटल में मिल मतलब दिखाई दूंगा मैं इतनी थोड़ी देर बाद। तो ठीक है यहाँ से मेरा आ चुका है ये, यहाँ से राइट लूँगा, इसके बाद तुम्हें पता है आगे से एक और राइट है, वहाँ से जाके हमें घर देखने को मिलने वाला है। बट हाँ वहाँ दो घर है, एक का प्राइस $10,000 है और दूसरे का प्राइस है $20,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। मतलब कि तुम समझ गए हो ना भाई, मार्केट हमारे वर्कशॉप जितना भी सामान है ना उसको मिला के शायद से टोटल करेंगे ना तो जाके वो $20,000 का घर बनेगा। अब तुम जान ही गए होंगे भाई कितना ज़्यादा महंगा है। बट हम भाई वो घर खरीदने की मतलब इतने अमीर बंदे हो जाएंगे कि वो वाला घर भी साथ के बाय कर लेंगे। तो चलो अभी ये घर आ चुका है, यहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ कैश करके, दो मिनट रुको, यहाँ पे इसका $10,000 है, बट मेरे पास अभी पैसे पूरे मेरे को करने के लिए पहले बैंक से ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे और यहाँ पे सोफे वोफे बाय करने पड़ेंगे, और भी अंदर में सामान होगा, ऊपर की साइड से बेड हो सकता है, नीचे मतलब वही सामान है या फिर ट्रेडर लाइफ की तरह मेरे को लग रहा है, बट घर देखने के बाद पता चलेगा। तो चलो अभी स्टेशन पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ATM से ना पैसे अपने अकाउंट मतलब अकाउंट से पैसे मेरे को ATM पे डालने पड़ेंगे, तुम्हें पता है भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चलती है यहाँ पे। तो ठीक है यहाँ से मैं अपने स्टेशन में ही चला जाता हूँ, जिससे कि ये होगा भाई वहीं से पैसे डाल लूँगा, दो मिनट रुको। यहाँ पे ये बंदे सामान वामान तो नहीं मांग रहे, पता लगे भाई सामान चाहिए हो किसी को। ठीक है यहाँ पे दो कस्टमर तीन भाई वर्कर यहाँ पे बेले खड़े हुए हैं और वो आंटी उनके आके ही सामान फेंकने में लगी हुई है, बट कोई बात नहीं हम देख लेंगे इनको बाद में। तो चलो यहाँ से $3,000 करते हैं पे, ठीक है यहाँ पे मेरे पास $10,000 पूरे हो चुके हैं और अभी हम चलने वाले हैं बाय करने। और यहाँ से मैं टैक्सी ले लूँगा क्योंकि साइकिल में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और भाई टैक्सी में जाऊँगा तो एक मतलब 5 सेकंड लगेंगे जिसके कारण मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। चलो अभी ना मैं टैक्सी पे चलता हूँ, जल्दी से यहाँ से रियल इस्टेट में चलना है, और यहाँ से मेरा घर वो रहा उस साइड है। क्या अभी चलते हैं अपने घर में बाय करते हैं अपने घर को और अंदर से इसे एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत। तो चलो अभी के लिए मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, दो मिनट भाई पैसे देख के मेरे को खर्च करने पड़ रहे हैं सही बोलूँ मैं तो। ठीक है यहाँ पे मैंने बाय तो कर लिया है, अब अंदर से चल के देखते हैं, दो मिनट ये डोर अरे आगे जाने से खुलेगा भाई, डरा क्यों रहा है। और यहाँ पे कारपेट वगैरह सोफे ओफे टेबल्स ये सब मेरे को बाय करने पड़ेंगे, इनमें भी काफ़ी पैसा लग जाएगा बट कोई बात नहीं हम बाय कर लेंगे। तो ठीक है ये वाला डोर ओपन करते हैं, और यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है, शायद ये वॉशिंग मशीन ही है, और यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे कुछ नहीं है और इसके अलावा कुछ नहीं है, जो कि बाय करने की चीज़ थी वो यही है। और बाकी ऊपर भी एक रूम है जो कि मैं चल के एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। यहाँ पे ठीक है कारपेट है, एक बेड है जो कि $500 का है, और यहाँ पे एक डोर है जिसके पीछे दीवार डोर कहाँ गया भाई, अभी तो डोर था यार, ये क्या सीन है भाई, अभी तो तुमने भी देखा था यार यहाँ डोर है, बट ये सीन क्या है, ये रहा वो डोर और इसके पीछे बड़ी सी दीवार बनी हुई है, मतलब कि हमने इतना पैसा लगाया और ये दीवार किस लिए बना दी इन्होंने यार, भाई साहब इतना पैसा लगाने के बाद ये दीवार देखनी थी मैंने, बट कोई बात नहीं। ये ऊपर वाला भाई रूम था, ये मेरे को नहीं पता वो शायद से वॉशरूम भी हो सकता था या और भी कुछ सही चीज़ हो सकती थी, बट पता नहीं भाई ये ग्लिच है या क्या सीन है मेरे को ये समझ नहीं आया, बट चलो अभी क्या ही कर सकते हैं।
तो ठीक है। और हाँ, तुम्हें बातों बातों में एक चीज़ बता देता हूँ, एंडिंग में बताऊँगा, कोई बात नहीं, एंड में बताऊँगा वो चीज़। तो ठीक है यार, ना मैं डोर को ओपन करने के लिए हथौड़ा लेके आना पड़ेगा भाई, हैमर वैमर मिलता होता ना सही में यहाँ से, ना मैं तोड़ के खुद घर बनाता ऐसे। तो ठीक है, अभी मैं इसका कुछ डोर का नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ के लिए मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ, बट इसके लिए मेरे पास होने चाहिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखो यहाँ $500 का ये है, सोफ़े भी मेरे हिसाब से $500 के हैं, कारपेट $100 के, तो अब लगा लो भाई 1000-1500 का तो खर्चा पूरा पड़ेगा हमें। तो ठीक है, यहाँ पे मैं जो पैसे हैं उन्हें खर्च करते हैं। यहाँ $350 का ये है, कारपेट तो मैं बाय कर लूँगा, बट एक चीज़ है, ये चीज़ें ना वॉलेट से बाय हो रही हैं। देखो यहाँ पे मैंने इससे बाय करा, $250 का है, बट मेरे वॉलेट में $56 है। और अभी ना मेरे को भाई यहाँ से अपने ATM में पैसे कमाने पड़ेंगे, जिससे कि मैं इन्हें बाय कर पाऊँगा, बट ATM से पहले मेरे को चल के वॉलेट में पैसा डालना पड़ेगा। बट चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ जल्दी से वहीं अपनी शॉप स्टेशन पर चलेंगे और फिर करते हैं। फ्रिज 500 का है, वॉशिंग मशीन ₹250 पे किया है। भाई बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है, 10,000 से प्लस 12 या 13 हज़ार, मतलब 15,000 का तुम खर्चा मान के चलो इस टोटल हाउस में है। और इसके बाद अगर मैं बड़ा घर खरीदता हूँ, उसमें मेरे हिसाब से 30,000 का खर्चा तो होगा ही होगा। कोई बात नहीं, अभी के लिए देखो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए हैं, जो भी ATM में पैसे हैं उसको हम चलते हैं अपने वॉलेट में डालते हैं, और वॉलेट के बाद चलते हैं इस घर में जितना सामान है उन सबको बाय करते हैं। अभी देखो मेरे पास $760 है, भाई बढ़ते जा रहे हैं, जब से मैंने प्राइस बढ़ाया है ना पैसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बट एक सेकंड, मैं ना यहाँ साइकिल से जाऊँ, नहीं नहीं टैक्सी से जाना अच्छा होगा, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना साइकिल से जाने में। साइकिल तो सही में मैं छोड़ ही दूंगा, साइकिल से जाना ही नहीं है मैंने इस बारी, पता किससे जाना है, अपनी बाइक से। तो चलो यहाँ पे मेरा घर ये रहा, और इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है कि भाई यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ, और यहाँ मैंने कंप्यूटर में भाई सबसे हाई वाला माइन बाय करा है, जिसमें कि मेरे को $600 मिलेंगे, पता नहीं कितने सेकंड में, बट बहुत 500 सेकंड या कुछ ज़्यादा ही है, उसमें मेरे को $600 मिलेंगे। तो चलो मैं जल्दी से बाइक पे बैठता हूँ, चलते हैं अपने गैस स्टेशन में, और वहाँ से बाय करने वाले हैं आज हम, बाय नहीं, बाय तो घर करने वाले हैं, वहाँ से चल के हम ATM से अपने पैसे कन्वर्ट करने वाले हैं वॉलेट में। तो चलो अभी डॉलर LP और यहाँ डॉलर, अब मेरे को पता नहीं यार क्या सीन है LP का, तो अगर तुम सबको पता है मेरे को कमेंट में जाके जरूर से ज़रूर बताना। तो ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मेरे कस्टमर्स वैसे मतलब मेरे वर्कर्स लगे होंगे, और यहाँ पे चलो, और यहाँ इसका डिस्काउंट पहले ख़त्म करता हूँ भाई, 0% रखने वाले हैं इसका, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं रखूँगा आज मैं, तो इसका 0% डिस्काउंट रखते हैं। 50% दिया था, जिससे कि ये आधा ही पैसा दे रहे थे, आधा नहीं दे रहे थे, बट इस टाइम मैंने 0% रखा है, जिससे कि ये पूरा पैसा देंगे और हमें पैसे कमाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो ठीक है, यहाँ पे अभी ये मैंने बाय नहीं करना भाई, और यहाँ एक गाड़ी आई है, 2 मिनट इसमें मैं फ्यूल भरता हूँ। हमारा वर्कर बेचारा क्या परेशान हो, वैसे पैसे दे रहे हैं हम वर्कर को भी, बट ठीक है। और इसका हम प्राइस देखते हैं, 2 मिनट, तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ से भाई कितना ज़्यादा भरवा रहा है पेट्रोल, मतलब $1.5 का पेट्रोल मैंने सही कर रखा है, उसका दाम ना बहुत ही ज़्यादा सही है। तो वो सामने से इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि भाई इसकी गाड़ी ना बहुत ज़्यादा ऊंची है, अगर नीचे होती तो थोड़ा बहुत हमें प्राइस दिखता रहता, बट $142 का इसने भाई तेल पड़वाया, मतलब काफ़ी ज़्यादा है यार $142 भी। पर गाड़ी अगर $100 का मतलब सामान पड़वाती है, तेल पड़वाती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और उसकी गाड़ी देख रहे हो भाई, पता नहीं कौन सी, तुम्हें कैसी कौन सी गाड़ी लग रही है, इस गाड़ी का नाम बताओ मेरे को कमेंट में भाई। इसके चक्के ना ऊंचे उठे हुए हैं, अलग ही दिख रही है भाई, $214 का इसने तेल भरवाया, और उसके पीछे के भाई टायर्स तुम देख ही सकते हो। तो चलो, और वहाँ पे गाड़ी धुलने के लिए आई है, 2 मिनट से ना मैं ऑन करता हूँ, जिससे कि इसकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जल्दी धुले। 2 मिनट को अभी चल के हम पैसे भी डालते हैं अपने ATM में, यहाँ थोड़ा बहुत काम भी कर ले यार, पता लगे हम खुद के मैनेजर, और यहाँ थोड़ा बहुत भी काम नहीं कर रहे, हमारे वर्कर बेचारे लगे हुए हैं, वो देखो एंग्री भाई, कस्टमर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है इस टाइम, क्योंकि उनको भाई उनका सामान काफ़ी ज़्यादा महंगे में मिल रहा है। बट तुम सब मेरे को कमेंट में बताना कि इनका सामान मेरे को, प्रोडक्ट जो भी अवेलेबल है हमारे पास, वो मेरे को सस्ता कर देना चाहिए या बिल्कुल नहीं, रेपुटेशन क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा हमारी गिर रही है, देखो 75% पे आ गई है, जिससे कि हमारी रेपुटेशन गिरेगी, तो काफ़ी बंदे आ नहीं पाएंगे हमारे मार्केट में। बट तुम मेरे को कमेंट में बताना मेरे को प्राइस लेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो चलो अभी ना मैं यहाँ से निकलता हूँ अपने घर को बाय करने के लिए। ठीक है, मैं अपनी बाइक पे बैठ चुका हूँ, और यहाँ से हम मुड़ते हैं लेफ्ट। दो मिनट, मैं जो काम करने आया था वो तो मैंने करा ही नहीं, अभी मैंने यार पैसे भी तो डालने थे, मैं बातों बातों में भूल गया कि मैंने भाई यहाँ पे पैसे भी डालने अपने वॉलेट में। चलो यहाँ से मैं वॉलेट में पहले पैसे डालता हूँ, फिर चल के हम बाय करते हैं। यहाँ से मेरे को $500 तो कर, नहीं 500 नहीं 1500
तो ठीक है, 50-100 डॉलर विड्रॉ करे हैं मैंने अपने वॉलेट में, जिससे कि ये फ़ायदा होगा मेरा भाई, वॉलेट में पैसे रहेंगे तो हम काफ़ी सामान खरीद सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने एटीएम में इसलिए पैसे रखे हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली फ्यूल की पेमेंट होती है, जिससे कि मैं रोकना नहीं चाहता। जब तक फ्यूल रहेगा हमारे पास पैसे आते रहेंगे, अगर फ्यूल ना रहा तो भाई पैसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो चलो ठीक है, इस टाइम मैं चलता हूँ रियल इस्टेट पे। और हाँ, तुम्हें पता है ना अपनी बाइक कितनी ज़्यादा अच्छी भाई रोड पे भागती है, मेरे को गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, बट लेनी तो पड़ेगी गाड़ी भाई, आने वाले टाइम में मैं गाड़ी बाइक करने वाला हूँ। तो ठीक है, यहाँ से मैं जल्दी से उतरता हूँ नीचे, इसे मैं लगा दूँ 2 मिनट सेट करके। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे एक गैराज भी दे देते यार, जब 10,000 डॉलर मेरे भाई तुमने खर्च करा है, गैराज तो दे देते अच्छा सा। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे गैराज तो नहीं है बट कोई बात नहीं, अभी हम घर का सामान बाय करते हैं। और यहाँ पे अंधेरा भी हो चुका है काफ़ी तगड़ा, तो चलो यहाँ पे मैं पहले यहाँ बाय करता हूँ 250 डॉलर का, 350 डॉलर का, 500 डॉलर नहीं 700 डॉलर बचे हैं। और फ्रिज मैं बाय नहीं कर सकता, वॉशिंग मशीन बाय नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को अभी खुद का बेड लेना है। तो चलो यहाँ पे ये भी बाय कर लिया, ये भी बाय कर लिया, डन। तो यहाँ देखो कुछ चीज़ें मैंने बाय करी हैं, कुछ चीज़ें मैंने पैसों करके नहीं बाय करी क्योंकि एटीएम में पैसे पड़े हुए थे, उसको हम बाद में बाय कर लेंगे थोड़े बहुत पैसे लगा के। और आज का हमने टास्क पूरा, मतलब एक तरह से अपना घर बाय नवा कर लिया है, जिससे कि हम मैनेजर की पोस्ट में पता लगना चाहिए कि हम मैनेजर हैं भाई। तो चलो गाइस, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और हाँ, एंड वाली बात ये रहेगी कि मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालने वाला हूँ एक Q&A, जिसमें कि तुम अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी सवाल हो भाई Q&A में ना तुम नीचे लिख देना #Flynn प्लस भाई, वहाँ पे क्वेश्चन लिख देना कौन सा तुम्हारा क्वेश्चन है, उसका सवाल अगले दिन आ जाएगा, मतलब कि हम एक Q&A वीडियो बनाने वाले हैं जल्दी। कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हें पोस्ट मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी जाके कमेंट कर देना। तो चलो गाइस, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करता हूं, होप आपको ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया, और पसंद आया तो कमेंट करो, वीडियो पर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।